आज की क्लास की शुरुआत हम कहां से कर रहे हैं? ये जैसे डिस्पर्जन विदाउट डिवीजन इस तरह की चीजें आपने लास्ट टाइम पढ़ी। मैं लेंस पे ऐसा क्वेश्चन बताता हूं आपको। लेंस पे सपोज एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि क्राउन ग्लास की डिस्पर्जिव पावर आपको दे रखी है, क्राउन ग्लास की डिस्पर्जिव पावर दे रखी है 0.015। फ्लिंट की बताओ इससे ज्यादा होगी कि इससे कम होगी? बताया था मैंने उस दिन ज्यादा होगी, 0.030। दो मटेरियल आपको दिए, एक क्राउन ग्लास और एक फ्लिंट ग्लास, और मीन कलर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, मीन कलर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मतलब ना तो वॉयलेट ना रेड, जो मीन कलर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है इसके लिए तो 1.52 है एंड इसके लिए 1.65। दिस इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर मीन कलर मींस येलो कलर। तो ये चार बातें आपको बता रखी है, ठीक है। अब ये कहता है कि ये दो लेंसेज हैं, ये दो लेंसेज है ना कि प्रिज्म नहीं है, आपको दो लेंस दिए गए हैं इस तरह के, ये एक अरेंजमेंट दे दिया और ये ऊपर सारी इंफॉर्मेशन इनके बारे में दी गई है, ठीक है। आपको बताना क्या है कि ये जो एक सरफेस इन्होंने दिखा दी, एक सरफेस तो दिखा रखी है, प्लेन सरफेस नजर आ रही है फ्लिंट ग्लास की एक सरफेस, yes, तो आपको जो बचे हुए दोनों सरफेस हैं उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर बताने हैं। अगर ये बोला गया है कि दिस इज एन एक्रोमेटिक डबलेट, मतलब मैं उस डिस्पर्जन डिवीजन वाली चीज को लेंस के साथ रिलेट कर रहा हूं, ये एक एक्रोमेटिक डबलेट है, मतलब जो क्या कर रहा होगा ये डिस्पर्जन विदाउट डिवीजन की डिवीजन विदाउट डिस्पर्जन, क्या होगा ये एक्रोमेटिक? मतलब भाई इसने मेन काम क्या खत्म किया है, डिस्पर्जन की डिवीजन, डिवीजन विदाउट डिस्पर्जन, हाँ डिवीजन विदाउट डिस्पर्जन, मतलब वो चीज लेंस में बन के आ जाएगी। ये एक सवाल दिया आपको, ये क्राउन ग्लास, ये फ्लिंट ग्लास, ये ओमेगा क्राउन, ये ओमेगा फ्लिंट एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर मीन कलर, ये आपको दे रखा 1.52 एंड 1.65 इस तरह से है। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो दो सरफेस और दिख रही है, सपोज इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 और इसका है R2, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2, ये आपको निकालना है। आपको ये बताना है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2, ये चीज आपको बतानी है कि इन दोनों साइड्स का कर्वेचर कितना है। तो मैं एक चीज आपको पहले बता दूं कि एक्रोमेटिक कंडीशन लेंसेज में क्या होती है। अगर एक्रोमेटिक डबलेट वर्ड यूज हो रहा है फॉर लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, एक बात आप याद रखना, फॉर लेंसेज इन कॉन्टेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना, उसके प्रूफ वगैरह पे हम नहीं जाएंगे, कि अगर कभी भी लेंस कॉन्टेक्ट में और वो एक्रोमेटिक डबलेट बना रहे हो तो उसकी कंडीशन होती है ω1/F1 प्लस ω2/F2 इज इक्वल टू 0। भाई ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि टेलीस्कोप वगैरह में एक्रोमेटिक डबलेट और इस तरह से बन जाते हैं। कभी भी अगर लेंसेज कॉन्टेक्ट में हो और वो एक्रोमेटिक डबलेट मींस नो कलर सेपरेशन, कि ये कलर सेपरेट ही नहीं कर रहे, कोई कलर सेपरेशन नहीं हो रहा है, ये है। तो अब आपको इसमें बताना है R1 एंड R2। हाँ जी, भी बताओ कैसे कैसे करें। हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कि मेरे पास F1 और F2 आ जाए, क्योंकि F1 F2 आ गया तो मैं आगे सोचूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरफ, लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के। क्या F1 F2 में दो कंडीशन, दो इक्वेशन दिख रही है क्या आपको? F1 और F2 में दो इक्वेशन, yes, sir. कैसे? एक इक्वेशन तो मैंने अभी लिख के दी, ω₁/F1 यानी कि 0.015/F1
प्लस ओमेगा 2 बाई एफ टू 0.030 बाई एफ टू दिस इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो आपकी ये आई, अगर मैं इसमें से 0.015 कॉमन ले लूं तो आपको ये सिंपल भाषा में इक्वेशन ये बन रही है 1 बाई एफ वन प्लस 2 बाई एफ टू इज इक्वल टू 0। आप बताओ क्या पहली इक्वेशन समझ में आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन? ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? एफ वन एफ टू में एक और इक्वेशन कहां से लाए? रेडियस के रेस्पेक्ट नहीं, आपको क्या दिया है, इस डबलेट की फोकल लेंथ कितनी है? तो जब दो चीजें कॉन्टेक्ट में होती है तो मैं एक चीज तो जानते हैं, वन बाई एफ इक्वलेंट 1/f1 प्लस 1/f2। हाँ जी बताओ, ये डिस्पर्जन खत्म होने वाला काम लेंसेज में कैसे यूज होगा? ये इक्वेशन आ गई आपको समझ में, क्या यूज करनी है? ठीक है, अब हम एक बार मैं वेट कर रहा हूं, आप इनसे सोल्व करके मुझे f1 और f2 की वैल्यू बताएं। ये दो इक्वेशंस हैं, इनसे आप सोल्व करके f1 और f2 की वैल्यूज बताइए क्या क्या आ रही है। क्या देखो, फिर से बता देता हूं मैं, जब भी कभी दो लेंस कॉन्टेक्ट में आए और बोला जाए कि वो कोई कलर सेपरेट नहीं कर रहे हैं या वो एक क्रोमेटिक डबलेट है, तो एक तो ये फॉर्मूला विदाउट प्रूफ मैंने आपको दिया है, बट ये फॉर्मूला आप याद रखें, ओमेगा 1 बाई एफ 1 प्लस ओमेगा 2 बाई एफ 2 इज इक्वल टू 0। दूसरी बात, जब इनका इक्वलेंट फोकल लेंथ 80 दे रखी है तो हम जानते हैं कि जब भी दो लेंस कॉन्टेक्ट में होते हैं तो 1/f1 + 1/f2 = 1/f equivalent। तो मैंने ये दो इक्वेशन लगाई, अब जब पहली इक्वेशन लगाई तो ओमेगा 1 ये रहा, ओमेगा 2 ये रहा, दोनों इसमें पुट किए, 0.015 कॉमन लिया, तो ये आपकी इक्वेशन बनी पहली इक्वेशन। अभी बताओ क्या भाई आ गया होगा ना समझ में? Yes, sir. तो आपको सिंपली सोल्व करनी है दो इक्वेशन, सिंपली दो इक्वेशन सोल्व करनी है। बताओ f1 और f2 कितने आ रहे हैं? F2 -80। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यही आएंगे। पहला काम तुमने एक नई चीज सीख ली कि लेंसेज में एक्रोमेटिक डबलेट कैसे कंडीशन आएगी, उससे आपने F1 F2 निकाल लिया। अब F1 F2 आने के बाद आप एक आइडिया दो मुझे, पहले R1 निकलेगा कि पहले R2 निकलेगा? पहले R1 निकलेगा कि पहले R2 निकलेगा बताओ? इस लेंस को देखें तो दोनों कर्वेचर अननोन है, लेकिन अगर आप दूसरे लेंस को देखते हो तो उसकी एक कर्वेचर तो हमें पता है इनफाइनाइट है ना? तो पहले क्या निकलेगा बताओ, पहले R2 निकलेगा पहले R1 निकलेगा? R2। अब देखो आप पहले फ्लिंट ग्लास वाले लेंस को उठाओ, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि आपने सामने प्लेन सरफेस बनाया कि पहले प्लेन सरफेस बनाया? कोई फर्क नहीं पड़ता, फोकल लेंथ बिल्कुल सेम रहती है। ये लो जी, अब इसका तो सेंटर इधर है, अपने आप नेगेटिव आएगा, आने दो उसे, कोऑर्डिनेट चेंज मत करो, कोऑर्डिनेट में आप अलग से माइनस मत लगाओ, अपने आप नेगेटिव आएगा R2। हाँ, और R2 नहीं, अब इसके जो दो सरफेस हैं भाई, पहला रेडियस तो हो गया R2 एंड दूसरा रेडियस कितना है इसका? इसका इसका देखो इनफाइनाइट, और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है फ्लिंट ग्लास का 0.030। अब इसको ना जब ये लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं, ये फॉर्मूला देखो, एक चीज कई बार बच्चों के दिमाग में आ जाती है, बोले लेंस मेकर फॉर्मूले में तो होता है 1/f, f इसका f2 आया -80 इज इक्वल टू n लेंस अपॉन n सराउंडिंग। अब n लेंस तो है 1.65, n सराउंडिंग में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले सर इधर तो एयर है ही नहीं, इधर तो कुछ और है। कोई बात नहीं, ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जब F1 और F2 जो लिखते हैं वो तब लिखते हैं जब आपने अकेले पहले लेंस को एयर में रखा हो तो उसकी फोकल लेंथ F1 है, और अकेले दूसरे लेंस को एयर में रखा हो तो उसकी फोकल लेंथ है F2। तो ये जो आपकी कैलकुलेट होके आती है यहां से, ये F1 तब नहीं है जब साइड में कोई क्राउन ग्लास था, F1 तब है जब साइड में एयर थी, F2 तब है जब साइड में एयर थी, और दोनों को मिला दिया तो ये बना। तो आपको एयर के अकॉर्डिंग करना है। क्या ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने बताया अभी?
ठीक है। तो सुनो ये फॉर्मूला आपने लगाया अपॉन वन माइनस वन, वन बाई आर वन पहली सरफेस का, इसका आर टू है जो नेगेटिव आना चाहिए, माइनस वन बाई इंफिनिटी, वन बाई इंफिनिटी इज जीरो। करोगे कुछ सिंप्लीफाई, करोगे कुछ सिंप्लीफाई, मैं आंसर देता हूं आप कैलकुलेट करो, इसका आंसर है आर टू इज माइनस 52 सेंटीमीटर। झूठे यहां मत भरना, एक बार कैलकुलेट करके देखो आ भी रहेगी नहीं। अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes, आ गया, ठीक है। R2 आपका आ गया माइनस 52। अब ऑप्शन में वो 52 भी हो सकता हो, तो रेडियस की वजह से मैग्नीट्यूड पूछते हैं। अब R1 कैसे निकालेंगे? अब अगर आप R1 निकालेंगे तो इसके बाद आपको सेकंड लेंस उठाना होगा, और सेकंड लेंस ये वाला है, ये इसका कोऑर्डिनेट R1 और ये दूसरी सरफेस का R2। अब आप लगाओगे 1 बाई एफ फर्स्ट लेंस, फर्स्ट लेंस उठाना होगा, मतलब 1 बाई एफ इज 1 बाई 40, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस 1.52 अपॉन 1 माइनस 1, 1 बाई आर वन ये मुझे निकालना है, माइनस 1 बाई आर टू, एंड आर टू आपका आया माइनस 52, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, और यहां से मैं R1 का आंसर देता हूं, अगर आप एक बार चेक कर सके, वेरीफाई कर सके, R1 का आंसर है 34.67 सेंटीमीटर। भाई एक बार जल्दी से वेरीफाई करके बताओ क्या ये भी आ रहा है कि नहीं। अप्रोक्सीमेटली देख लो, अप्रोक्सीमेटली इतना इसके आसपास कहीं नजर आए तो। शायद आ गया होगा, आपने इसको आगे बढ़ाया, 1 बाई 40 इज इक्वल टू 0.52 बचेगा ऊपर, 0.52 इंटू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई 52, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई किया तो 1 बाई 40 इज इक्वल टू 0.52 बाई आर वन और प्लस 1 बाई 100, इधर आके घटेगा तो 0.52 अपॉन आर टू 1 बाई 40 माइनस 1 बाई 100, एलसीएम आया 200, तो 0.52 अपॉन आर टू, एलसीएम आ गया 200, 5 माइनस 2 3 बटे 200, 0.52 अपॉन आर टू इज इक्वल टू 3 बाई 200, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आर टू आ रहा है, ये 3 से गुणा होगा, 3 दो 6, 3 5 15 बटे 3, 3 3 5, ये तो कुछ और ही आ गया। आर टू कितना आ रहा है, क्या ये 5 के आसपास जा रहा है क्या? एक बार वेरीफाई करो ना ताकि हम आगे बढ़े फिर कुछ। तो क्या है आंसर? आंसर तो खैर ये दिया है, पर आप देखो ये आ भी रहा है कि नहीं, आपका क्या आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 41.7। कोई बात नहीं, जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेना, वैसे ये दे रखा था बट कोई श्योर नहीं हो तो हो सकता है गलत दे रखा हो। तरीका समझ में आ गया कैसे करना है कैसे नहीं, ठीक है? क्या ये सही आ गया था, ये वाला आंसर R2? यस सर। हाँ तो ये R2 तो यही है,
आर वन देख लेना, इसमें जो भी आता है आंसर 34.67 लिखा हुआ है, बट कोई बात नहीं, मैं भी कैलकुलेट कर रहा था कुछ और ही आ रही है। हमने ये पुट किया 1/F1 आपका 40, 1.52 इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स माइनस वन यानी कि 0.52 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, इस तरह से हुआ। यहां से आपने सिंप्लीफाई किया तो ये 0.52 है, 1/40, 0.52/R1 प्लस ये हो गया 1/100, 1/100 घटने आया, 0.52/R1 इज इक्वल टू ये एलसीएम आया 205 माइनस 2, 3/200, ये 20 इधर आए, 52 × 2/3, अच्छा ठीक है ठीक है, 52 × 2/3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 104/3, देखना क्या ये आ रहा है 104/3, यही आ रहा है ना, ये तो यही तो आ रहा है, 3 × 3 = 9, 14 × 3 = 12, ठीक है। तो ये आपका आ गया है दोनों आंसर्स। तो आप बताओ लेंसेज में क्या ये अप्लाई करना आ गया आपको ये वाला काम। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपको पता होगा सिविल सर्विसेज में भी एक सब्जेक्ट होता है फिजिक्स आईएएस एग्जाम में, है ना, तो उसमें आया था ये सवाल, ये मैं लिखता हूं आप देखेंगे। हालांकि हमने अभी टेलीस्कोप नहीं पढ़ा है, हमने ये नहीं पढ़ा है कि उसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, कोई बात नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, ये क्या लिखता है उस पर हम चलते हैं। द ऑब्जेक्टिव लेंस ग्लास लिखा उन्होंने, द ऑब्जेक्टिव ग्लास ऑफ ए टेलीस्कोप, ऑब्जेक्टिव ग्लास ऑफ ए टेलीस्कोप इज एन एक्रोमेट, ऑब्जेक्टिव ग्लास ऑफ ए टेलीस्कोप इज एन एक्रोमेट ऑफ फोकल लेंथ 90 cm, इज एन एक्रोमेट ऑफ फोकल लेंथ 90 cm, 90 cm इसकी लेंथ है। उसके बाद लिखा था उस सवाल में कि इफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ dispersive powers, if the magnitude of dispersive powers of the two lenses, जो आपको दो लेंस दिए गए हैं उनकी dispersive power जो है उसके मैग्नीट्यूड है 0.024 एंड 0.036 रेस्पेक्टिवली, उनके मैग्नीट्यूड ये दिए गए हैं, तो केवल इस सवाल में रेडियस ऑफ कर्वेचर तक नहीं पहुंचाया इस सिविल वाले एग्जाम में, कैलकुलेट देयर फोकल लेंथ, ये क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप कर दोगे, कीजिए भी ट्राई, पढ़ लो पहले एक मिनट क्या है सवाल। कर रहे हो कैलकुलेट,
बताओगी आंसर? बोलो, हम वेट कर रहे हैं आपका। F-130 सर। हाँ बिल्कुल सही, 30 सेंटीमीटर। और F-2 -45 सेंटीमीटर। हाँ बिल्कुल सही। देखिए ये इसके आंसर है, F-1 30 सेंटीमीटर एंड F-2 -45 सेंटीमीटर। भाई मुबारक हो, आपने ना IAS एग्जाम के क्वेश्चन सीधा सोल्व कर दिए। परंतु चलो ठीक है, हमने अभी पढ़ा था, क्या बिल्कुल वैसा था कि नहीं? वैसा ही सवाल है ना, बल्कि उससे भी कम है। उसमें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तक पहुंचाई गई थी बात, यहां तो बीच में रोक दी गई। हमें कितने बच्चों का आया आंसर, और किसी का आया कि नहीं? ठीक है, एक ठीक है देख लीजिए। 1/F equivalent is 1/F1 + 1/F2। तो एक इक्वेशन तो ये बनी, F equivalent है 90, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन ओमेगा 1/F1 0.024/F1 प्लस 0.036/F2 जीरो। अगर मैं 0.12012 कॉमन ले लूं तो 12 2 24 2/F1 + 3/F2 = 0। अब इन दो इक्वेशंस को सोल्व करना है, वही इक्वेशन आगे जैसे पहले थी। जैसे आपको F2 गायब करना हो तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट कर दो। मैं थोड़ा सोल्व भी करके बता देता हूं, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके और फिर दूसरी उसमें से घटा दो, 3/F1 - 2/F1 this is 1/F1, 3/F1 - 2/F1 this is 1/F1 बराबर 3/90 = 1/30 -0। यहां से F1 आ गया 30, और F1 30 आते किसी में पुट करो तो आपका F2 ये आ जाएगा। मतलब ये भी एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है कि जो हमने डिस्पर्जन प्रिज्म में पढ़ा, लेंसेज में अगर इंक्लूड होके आ जाए। मैं केवल लेंसेज इन कॉन्टेक्ट वाले बता रहा हूं, दूर होंगे उनकी अलग कंडीशन है, इतना नहीं आएगा। कॉन्टेक्ट में आ जाए तो कर लेंगे आप। ये एक एक्स्ट्रा इक्वेशन थी जो हमें याद रखनी थी, ω1/F1 + ω2/F2 = 0। हाँ भाई क्लियर है ना ये पार्ट? ठीक है, अब देखो इसमें। और एक बार मैं आगे बढ़ने से पहले पूछ लेता हूं, क्या उस दिन वाले कॉन्सेप्ट्स, उस दिन वाले फॉर्मूले याद हो गए आपको, डिस्पर्जन विदाउट डिवीजन प्रिज्म के और डिवीजन विदाउट डिस्पर्जन के? फॉर्मूले याद हो चुके होंगे शायद अभी तक, तो नहीं भी याद है तो जरूर कीजिए। आपके लिए वो नीट 2017 का क्वेश्चन था, वो भी दिया था, और उस तरह के 4 सवाल बना के दिए थे। नीट में तो एक आया था, मैंने वो 4 दिए थे, 2-2 करके, और एक तो आसान सा दिया था 500 सवाल, तो पिछले लेक्चर के साथ लिंक्ड है वो सीपीपी। अच्छा चलो, अब हम थोड़ा फिनिशिंग की तरफ चलते हैं इसको, ये जो ताकि हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे फिर कल से स्टार्ट कर सके, और वो हमारा फिर लास्ट पार्ट हो जाएगा इसका, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लास्ट पार्ट हो जाएगा। तो इसमें अगर एक दो चीजें हैं जो थोड़ी सी बची हैं यहां, आप बताओ कि आपने ये फिनोमिना पढ़ा है? क्या आपने ये फिनोमिना पढ़ा है कि नहीं? यस सर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट 10th में पढ़ा है, 10th क्लास में। यस सर। क्या मतलब क्या होता है, एक मिनट इसका अगर आप जस्ट थोड़ा हम मीनिंग ही क्लियर कर सकें, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? बताओ कोई भी बच्चा सोच के, ये सोच के तो क्या मतलब, थोड़ा ध्यान आ जाए कि क्या पढ़ा था आपने स्कैटरिंग। नहीं याद आ रहा, बिल्कुल याद नहीं आ रहा। अरे बोलो, कोई शुरुआत करवा दो फिर मैं बता दूंगा, मेरे को तो याद दिलाओ क्या होता है। सर जब लाइट किसी मीडियम से पास होगी तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर स्प्रेड हो जाएगी। तो ये तो फिर रिफ्रैक्शन भी है, ये तो अगर डिफरेंट डायरेक्शन में बैंड होगी, मान लो हो सकता है कि
रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा हो उससे बेंड कर गई हो, तो ये तो रिफ्रेक्शन भी है। स्कैटरिंग क्या होती है सुनो, किसी भी मीडियम में मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी मीडियम में मॉलिक्यूल्स हैं, क्या करते हैं वो आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, पहले एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उनको वो चारों तरफ भगा देते हैं, एमिट कर देते हैं चारों तरफ, जिधर वो फेंक सके उधर। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि इफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम, किसी भी मीडियम के मॉलिक्यूल आफ्टर एब्जॉर्बिंग द इनकमिंग रेडिएशंस After absorbing the incoming radiations, आने वाली light को absorb करने के बाद क्या करें बताओ, क्या बताया मैंने? Emit them in all the possible directions. Emit them in all the possible directions. चारों तरफ इधर उधर जहां वो फेंक सकते हैं उधर पहुंचा दें। तो ये जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैटरिंग। ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ये मतलब है। स्कैटरिंग देखो लास्ट पार्ट है इसका, उसके बाद क्योंकि हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे जा रहे हैं, आपने टेंथ में ऐसे सवाल सुने होंगे, बताओ स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? यस सर। सन शाम के टाइम रेड क्यों दिखता है? स्पेस ब्लैक क्यों होता है? जहां वैक्यूम है वहां डेंजर सिग्नल्स रेड क्यों होते हैं? क्या ये सारे सवाल सुने हैं कि नहीं? yes, तो इनके जवाब भी सुने हैं। yes, तो बताओ स्काई ब्लू क्यों दिखता हमें दिन में? वेवलेंथ ब्लू की ज्यादा होती है सभी लाइट कंपैरिजन में, तो ब्लू लाइट अपने आप को स्कैटर ज्यादा करती है। मतलब मैं अगर बात करूं विबग्योर में रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है जहां तक मुझे याद है, ब्लू से तो कहीं ज्यादा है, ब्लू तो कम की तरफ होता है। तो फिर शाम को फिर वो सन रेड क्यों नजर आता है? देखो मैं बताता हूं, बड़ा आसान सा फिनोमेना है, सुनो इधर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं मीडियम के वो इनकमिंग रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के बाद उनको चारों तरफ फेंक देते हैं। देखो मुझे आसमान नजर आ रहा है, लाइट तो सन से आ रही है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि सन पे नजर गए तो ही कुछ दिखेगा नहीं तो अंधेरा दिखेगा। कैसा होता है कि सन की तरफ देखे तो ही रोशनी है नहीं तो अंधेरा है? नहीं हो रहा ना ऐसा? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो आसपास के मॉलिक्यूल्स हैं, इधर का मॉलिक्यूल है सन उधर है, मैं इधर देखता हूं आसमान में, इस मॉलिक्यूल ने सन से लाइट एब्जॉर्ब की और भगा दी और वो लाइट मेरी आंख तक आ गई तो मुझे इधर भी रोशनी दिख रही है। तो मतलब ड्यू टू स्कैटरिंग ही पॉसिबल है। तो पहले सवाल का जवाब यही मिल गया कि आपने स्पेस वैसे तो नहीं देखा, मैं रात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पेस की बात कर रहा हूं, रात और दिन की बात नहीं कर रहा हूं। अंतरिक्ष आपने टीवी में देखा होगा यार, मूवीज में देखा होगा, न्यूज में देखा होगा या धारावाहिकों में देखा होगा कि स्पेस ब्लैक दिखाते हैं, ठीक है? उसका कारण है, उसका कारण यह है कि वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्कैटर करने वाले पार्टिकल नहीं है, तो बस जो सन पे नजर चली जाए तो सन नजर आ जाएगा, नहीं तो अंधेरा रहेगा। तो स्कैटरिंग की वजह से ही ये सब रोशनी है और इसी कारण से हमें चीजें दिखती हैं, नजर आती हैं। अब देखो होता क्या है, एक साइंटिस्ट थे रेले, उनका नाम था लॉर्ड रेले, तो उन्होंने एक लॉर्ड लगा दिया था उनके नाम के आगे। उन्होंने एक बात पता की थी कि माना ये कोई स्कैटरिंग पार्टिकल है, दिस इज अ स्कैटरिंग पार्टिकल
ऑफ वॉल्यूम वी। वी वॉल्यूम का ये कोई स्कैटरिंग पार्टिकल है और इस पे कोई लाइट आती है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा और उसका एम्पलीट्यूड है ए। वेवलेंथ है लैम्डा और एम्पलीट्यूड है ए, इस तरह की। तो इन्होंने कुछ अपने तरीके से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर जो लाइट मिली, स्कैटर्ड लाइट, मान लो एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट है स्मॉल ए, एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट है स्मॉल ए, इस तरह का है। तो भाई इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, स्मॉल ए का एक फॉर्मूला दिया था, स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू वी। कैपिटल ए क्या चीज है? कोई एरिया नहीं है। कैपिटल ए क्या चीज है? हाँ, इनकमिंग लाइट का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई आर इंटू लेमडा स्क्वायर, आर इंटू लेमडा स्क्वायर। हमें फॉर्मूले वॉर्मूले पर नहीं जाना कैसे आया, इससे एक रिजल्ट आएगा वो हम देखेंगे। तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट है, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट जो इसने ऑब्जॉर्व की, इंटू वी वॉल्यूम ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल डिवाइड बाई आर कितनी दूर इससे आप स्कैटर्ड लाइट देख रहे हैं, और अपॉन आने वाली लाइट की वेवलेंथ लेमडा का स्क्वायर। अब एम्पलीट्यूड वहां पे ये है, तो इंटेंसिटी क्या होती है? क्या हमने ईएम वेव में पढ़ा है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड? बोलो एक मिनट, क्या ये फॉर्मूला देखा आपने कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू जो भी एम्पलीट्यूड यहां स्मॉल ए है उसका स्क्वायर? बताओ, याद आ गया होगा ना ये तो? ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो लैम्डा की पावर 4 हो जाएगी नीचे। तो मतलब मेरे पास एक रिजल्ट आया कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा रेज टू पावर 4। तो सबसे पहले एक बच्चा अपने आप को ठीक करे, मैंने पूछा कि ब्लू लाइट क्यों ज्यादा स्कैटर होती है, तो उसका रीजन दिया गया था कि वेवलेंथ ज्यादा है। यहां से क्या पता लग रहा है इंटेंसिटी किस लाइट की ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा हो या जिसकी वेवलेंथ कम हो? कम हो। ब्लू लाइट इसलिए ज्यादा स्कैटर होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ बिग की ओर में कम की तरफ आता है। फिर सवाल यह भी आता है, फिर वायलेट क्यों नहीं होती? वायलेट भी होती है। हमारी आंखें वायलेट और इंडिगो की बजाय ब्लू को ज्यादा पहचानती है, हमारी आंखें वायलेट और इंडिगो की बजाय ब्लू की तरफ ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई ब्लू लाइट ज्यादा सेंसिटिव, वही हमें दिखती रहती है, वहां पे ब्लू कलर ही नजर आता है। तो ये इस स्कैटरिंग को एक नाम दिया जाता है साइंटिस्ट के नाम पे, तो रेले स्कैटरिंग, या फिर इसी को नाम दिया जाता है इलास्टिक स्कैटरिंग, क्योंकि हर बार ये कंडीशन नहीं होती है, हर बार ये कंडीशन नहीं होगी। आप अगर 10th क्लास में पढ़ोगे तो वहां सब पढ़ाया जाता है, 10th क्लास की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी ये लिखा रहता है कि ये जो इलास्टिक स्कैटरिंग है, हो सकता है इलास्टिक वर्ड बना आया हो, ये वाली स्कैटरिंग तब होती है जब साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल काफी छोटा हो। जब साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल काफी छोटा हो मींस कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट हो, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट हो, तो ये वाली जो स्कैटरिंग है वो होगी। ठीक है, कब होगी? ये तब होगी व्हेन साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। अब स्मॉल में मैं दो बताता हूं, एक डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल उसका साइज आप स्मॉल में काउंट करेंगे कि लार्ज में? कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, बताओ डस्ट पार्टिकल का साइज स्मॉल में काउंट होगा कि लार्ज में काउंट होगा? किसमें काउंट होगा? लार्ज में। एक डस्ट पार्टिकल आपको दिख जाता है, लाइट की वेवलेंथ तो बहुत कम है, लेकिन अगर मैं एयर मॉलिक्यूल की बात करूं, एयर मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल में काउंट होगा कि लार्ज में? बताओ, मैं दो छोटी छोटी चीजें ले रहा हूं, एक डस्ट पार्टिकल और एक एयर मॉलिक्यूल। डस्ट पार्टिकल आपका लार्ज में काउंट होगा, एयर मॉलिक्यूल लार्ज में काउंट होगा कि स्मॉल में? स्मॉल। तो दो तरह की स्कैटरिंग मैं यहां बता रहा हूं, इसे हम बोल देते हैं रेले वाला जो फॉर्मूला, रेले स्कैटरिंग या इलास्टिक स्कैटरिंग, ये तब है जब साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। फॉर एग्जांपल, बाय
एयर मॉलिक्यूल। अब जो हमारा वातावरण है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें हमें ब्लू सा कलर नजर आता है क्योंकि वहां एयर मॉलिक्यूल स्कैटरिंग करवा रहे हैं। एयर मॉलिक्यूल स्कैटरिंग करवाएंगे तो वो इस तरह की स्कैटरिंग करवाएंगे। अब विबिगोर में रेड ज्यादा है वेवलेंथ वाइज, ब्लू की वेवलेंथ कम है। ब्लू और रेड को ही हम कंपेयर करते हैं, आपको ईएम स्पेक्ट्रम अच्छे से याद होगा, तो ब्लू और रेड को ही हम कंपेयर करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ब्लू की वेवलेंथ कम है, इसलिए ब्लू कलर इज मोर स्कैटर्ड, वो ज्यादा फैल जाता है। क्या ये पहली बात आ गई है समझ में? ठीक है, अब इलास्टिक स्कैटरिंग का वैसे मतलब क्या है? इलास्टिक स्कैटरिंग जो हमने वर्ड यूज किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो स्कैटरिंग पार्टिकल है उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, उसने लाइट को एब्जॉर्ब करके री रेडिएट किया, चारों तरफ फेंक दिया, तो उसने लाइट की कोई एनर्जी नहीं रखी, जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की उतनी फेंक दी। भाई इलास्टिक कोलिजन होता था जिसमें एनर्जी लॉस हो जाए वो तो इनइलास्टिक था, जिसमें एनर्जी लॉस ना हो उसे क्या बोलते थे हम? इलास्टिक बोलते थे ना। तो यहां यहां क्या होगा कि कोई यहां पे क्या होगा कि कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, बिल्कुल एक्सचेंज नहीं होगा एनर्जी का। तो वो वाला स्कैटरिंग आपकी होती है इलास्टिक स्कैटरिंग। ये करवाते हैं छोटे साइज के मॉलिक्यूल, ये इस तरह के ये स्कैटरिंग होती है। ठीक है, और सन स्काई का कलर ब्लू आपको समझ में आएगा क्यों? अब दूसरी तरह की स्कैटरिंग जिसमें फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, वहां बोलते हैं इनइलास्टिक स्कैटरिंग। इनइलास्टिक स्कैटरिंग का क्या मतलब है? इनइलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब है कि देयर वुड बी सम एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द स्कैटरिंग पार्टिकल एंड द लाइट। लाइट आ रही है, स्कैटरिंग पार्टिकल है, उनमें कुछ एनर्जी एक्सचेंज होगा, वो अपनी एनर्जी ले भी सकता है, उसको दे भी सकता है, उससे ले भी सकता है, इस तरह से कुछ एक्सचेंज होगा। तो अगर एक्सचेंज हो रहा है तो वहां कब होता है एक्सचेंज? जब साइज बड़ा हो, तो साइज बड़ा हो तो एनर्जी एक्सचेंज होती है, दैट इज इनइलास्टिक स्कैटरिंग। वहां ये रेले वाले फॉर्मूले वैलिड नहीं होते हैं, एंड वहां पे ऑलमोस्ट ऑल द कलर्स आर इक्वली स्कैटर्ड, ऑलमोस्ट ऑल द कलर्स आर इक्वली स्कैटर्ड। अब बताओ स्काई में अगर बादल हैं, आसमान में बादल हैं, क्लाउड्स हैं, तो उनका कलर ऑलमोस्ट कैसा नजर आता है? व्हाइट। वो ब्लू में भी व्हाइट नजर आएगा ना बादल अलग से। कारण क्या होता है कि बादल के पास थोड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल या कोई बड़ी चीजें भी हो सकती हैं, तो वो क्या करवा रहे हैं? वो सारे कलर्स को इक्वली स्कैटर करवा रहे हैं। तो इसलिए हम जब वहां देखते हैं तो हमें उसका कलर कैसा नजर आता है? ऑलमोस्ट व्हाइट नजर आता है। ठीक है, इस तरह का काम होता है। अब शाम को सन का रेड नजर आना क्यों, ऐसा क्यों होता है? बताओ, देखो एयर में मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स का साइज कम है, तो कौन सी स्कैटरिंग होगी, इलास्टिक की इनइलास्टिक? इलास्टिक। मॉलिक्यूल्स का साइज कम है तो वहां पे इलास्टिक स्कैटरिंग होगी, यानी कि जो कम वेवलेंथ के कलर हैं वो ज्यादा स्कैटर हो देंगे। ब्लू और रेड किसकी वेवलेंथ कम है? ब्लू की वेवलेंथ कम है तो ज्यादा स्कैटर हो लिया। अब शाम के टाइम सन हमसे बहुत दूर है, अगर यहां शाम है तो किसी देश में दोपहर भी होगी। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि भाई कनाडा में शाम है तो महेंद्रगढ़ में दोपहर है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मैं देश की बात कर रहा हूं, दूसरी कंट्री की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर किसी कंट्री में शाम है तो किसी दूसरी कंट्री में दोपहर होगी, तो जहां दोपहर है उनको उस समय कलर कैसा नजर आ रहा है स्काई का? ब्लू नजर आ रहा है। हमें रेड क्यों नजर आ रहा है? कि वहां के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने ब्लू कलर को स्कैटर कर दिया, ब्लू कलर को फैला दिया। तो लीस्ट स्कैटर्ड कलर कौन सा बचा जो फैल ही नहीं पाया है? रेड। तो वो दूर तक आ जाएगा, वो वहां बटा ही नहीं, वो वहां फैला ही नहीं, तो वो कलर दूर तक बच के आ गया। तो इसीलिए जो दूर तक पहुंचता है कलर वो आपका रेड कलर होता है। ये बड़ा क्लियर है, ये आप कंफर्म कर सकते हैं शाम को सन, सुबह शाम को देखने में। अक्सर बच्चे शाम को ही देख पाते हैं, सुबह तो पता नहीं इतनी सुबह उठते भी है कि नहीं, कि जब सन रेड होता है तब देखा भी है कि नहीं सुबह के टाइम का सन रेड? हाँ तो ठीक है, वैसा ही शाम को होता है। अच्छा ये ऐसा ही सेम सवाल, डेंजर सिग्नल्स का कलर कैसा होता है? रेड। क्यों, क्या कारण है इसका? ठीक है, वेवलेंथ से मुझे क्या मतलब, मैं तो एक आम आदमी हूं, मैं पूछ रहा हूँ भाई क्या कारण है रेड क्यों बना रखा है? वेवलेंथ ज्यादा हुई तो उससे हुआ क्या? वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल करता है। वो डेंजर सिग्नल हमें दूर से नजर आए
दूर से नजर आए इसलिए उसका सिंबल रेड बनाया जाता है। मान लो खतरे का निशान है और उसके बिल्कुल पास पहुंच के पता लगा खतरा, करे क्या फिर आई गए जो, तो वो इसीलिए होता है भी दूर से ही पता लग जाए। आपने देखा होगा ट्रेन की पटरी पे, रेल्स पे जब फाटक वगैरह खुले होते हैं तो एक लाल सा कपड़ा लगा दिया जाता है कई बार दोनों साइड दिया, देखा है क्या कभी? जस्ट इसलिए कि दूर से नजर आ जाए, कोई ट्रेन में बैठा उसको नजर आ जाए भाई आगे अभी रुकनी है, हमें जाना नहीं है, इस तरह से। तो ये इस तरह के सारे सवालों के यही जवाब है। मतलब आप सोचा करो कि कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मे बी दैट मे बी रिलेटेड टू द स्कैटरिंग। और जैसे मैंने सन का पूछा सेम ऐसा ही फुल मून का भी होता है, मून भी जब दूर होता है तो वो आपको रेड रेड टाइप नजर आता है इस तरह से। अच्छा एक और सवाल, धुंध का जब मौसम होता है सर्दियों का टाइम है तो आपको दिखता नहीं है बहुत दूर तक, है ना? ऐसा ये क्यों होता है? क्योंकि ऑप्टिक्स के ही तो क्वेश्चन है सारे, प्लस टू एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन एक बार 2016 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन था, ये 2016 बोर्ड एग्जाम का ये क्वेश्चन था, तो आपको उसमें यही पूछा था। और एक नंबर का मैं बताता हूं, मैंने उस समय नया नया स्कूल ज्वाइन किया था, यदुवंशी नारनौल, तो जस्ट एक दो दिन ही हुए थे ज्वाइन किए हुए, और तभी फिजिक्स का पेपर मार्च में हो ही जाता है, स्टार्टिंग में पता होगा ना आपको, 1-2-3 मार्च को ही जाता है इस तरह से। और मैंने 1 तारीख को ही ज्वाइन किया था, 1 या 2 तारीख को, तो पेपर दे के बच्चे आए तो वहां पे सुपर 30 सेक्शन से मैंने ज्वाइन किया था, तो सर ने कहा, हमारे जो डीन सर थे वहां पे, उन्होंने कहा कि भी एक और पेपर डिस्कस करवा दो इनको। तो मैं बताता हूँ, सबसे शुरू के जो 5-6 क्वेश्चन एक एक नंबर के, उनमें सबसे कंफ्यूजिंग सवाल बच्चों के लिए यही था, सबसे कंफ्यूजिंग सवाल, और तो लगभग कर ही आए, ये सबसे कंफ्यूजिंग सवाल था कि धुंध में दिखता क्यों नहीं है, फॉगी कंडीशन में आपको नजर क्यों नहीं आता, बताओ टॉपिक चल रहा है, बताओ क्यों नहीं नजर आता। इट इज अगेन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, धुंध में हमें चीजें नजर नहीं आते हैं, इट इज अगेन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वहां इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं कि वो वहीं पे लाइट को फैला देते हैं। अगर वहीं पे लाइट फैल गई, जैसे ब्लू लाइट वहीं फैल गई, तो क्या हमारी आंखों तक ब्लू लाइट आई है शाम के टाइम? समझ गए हो, ब्लू लाइट वहीं फैल गई लेकिन रेड बची हुई थी वो हमारी आंखों तक आ गई। अब वहां बड़े साइज के पार्टिकल हैं और ज्यादा डेंस पार्टिकल है धुंध में, तो सारे कलर्स को ही वहीं फैला देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी कलर को आगे जाने के लिए, तो इसीलिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो अब याद रखना भाई ये चीज, कभी नीट में आ जाए, कभी जेई में आ जाए, कभी बोर्ड में आ जाए, कुछ भी बन के आ जाए, कि धुंध में ना दिख पाना इसका कारण क्या है? इसका कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब बताओ क्या स्कैटरिंग स्कैटरिंग और ये वाले टॉपिक आ गए हैं समझ में? ठीक है, अब एक चीज और होगी, मेरे पास तो अभी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है नहीं, आप लोग खोल लें एक बार अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे जाने से पहले बस हम ये देख रहे हैं, क्योंकि हमें सीबीएसई ने थोड़ा चेंज भी कर दिया, आपने बताया था वो यूएनआई के क्वेश्चन भी हटा दिए वहां से, थ्योरी निकाल रहे हो एक बार बुक के अंदर? हाँ भाई, कोई बच्चा खोल रहा है क्या बुक? यस सर। एक बार मुझे ये बताओ थ्योरी पार्ट में जहां ये लेंसेज वगैरह का काम है, उसके बाद जब माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वाला पार्ट स्टार्ट होता है तो बीच में क्या टॉपिक्स हैं कि हट गए हैं, कि कुछ ह्यूमन आई से रिलेटेड और ये चीजें कुछ भी है कि नहीं थ्योरी पार्ट में? क्या स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वहां कहीं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट? यस सर, दे रखा है। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो पढ़ लेंगे आप, वहां से पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन रीडिंग करेंगे इसकी। ठीक है, अब ये बताओ रेनबो दे रखा है वहां, रेनबो? यस सर, दो रेनबो बना रखे हैं कि एक बना रखा आपकी बुक में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डायग्राम में? डायग्राम में दो रेनबो बना रखे कि एक बना रखा है, एक बार बता दो बुक में। दो बना रखे हैं, तो सुन लो फिर, अब पढ़ोगे आप बुक से, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सिंपल थ्योरेटिकल सी चीजें हैं। रेनबो क्या होता है? रेनबो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ये पार्ट है रेनबो, कि जैसे सनलाइट आई
अब कब दिखता है मुझे रेनबो, सपोज सामने बारिश हो रही है या हुई है थोड़ी देर पहले और पीछे सन है, मेरे पीछे सन है और उधर बारिश हुई थी और मैं उधर की तरफ देख रहा हूं बारिश वाले हिस्से में, तो मुझे रेनबो नजर आ सकता है, चांसेस हैं वहां रेनबो नजर आने के, वहां पे चांसेस बनते हैं रेनबो के। तो होता क्या है उसमें, रेनबो में क्या होता है, सनलाइट आती है, अगर वो ड्रॉप्स में से रिफ्रैक्ट होकर आगे ही चली जाती तो मुझे कोई रेनबो नजर नहीं आता। TIR एक फिनोमेना पढ़ा हमने, TIR की एक एप्लीकेशन ही है रेनबो, पढ़ा था ना एक TIR फिनोमेना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जब लाइट रे एंटर करती है ड्रॉप में तो एंटर तो कर जाती है क्योंकि वो रेयर टू डेंसर जा रही है, लेकिन जब वो दूसरी साइड निकलने लगती है दूसरी साइड, तो वो डेंसर टू रेयर निकलनी होती है वॉटर ड्रॉप से एयर में। तो अगर डेंसर टू रेयर निकलनी है तो बताओ क्या चांस है कि नहीं कि वो रिफ्लेक्ट होके वापिस आ जाए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो, पता ही है? Yes. है ना, तो वहां कुछ ऐसा फिनोमेना बन जाता है, ऐसी सेटिंग बन जाती है कि जो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल जो होता है उस सरफेस का उससे बड़ा हो जाता है, और अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो क्या वो रे आगे निकल पाएगी, वो रे आगे नहीं निकल पाएगी और वो रिफ्लेक्ट होके वापिस हमारे पास ही आ जाती है। अच्छा दूसरी बात, इसके साथ एक और फिनोमेना हो जाता है डिस्पर्जन। कैसे, जब रे वाटर में एंटर करेगी तो आई तो थी व्हाइट लाइट, अब व्हाइट लाइट में रेड लाइट कम बैंड होगी वॉयलेट ज्यादा बैंड होगी, तो पूरा विबग्योर सेपरेट हो जाता है एंट्री के टाइम ही, एंट्री के टाइम ही विबग्योर सेपरेट हो जाता है, और जब वो बाहर निकलते हैं तो सेपरेट सेपरेट विबग्योर टाइप पोर्शन बाहर निकल के आता है और हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन नजर आता है जिसको हम बोल देते हैं रेनबो, अलग अलग कलर्स का। उसमें एक बात का ध्यान रखना, अगर एक बार TIR हुआ है एक ड्रॉप के अंदर, अगर एक ड्रॉप के अंदर एक बार TIR हुआ है और बस फिर वो वापिस आ गई, दैट इज नोन एज प्राइमरी रेनबो। अगर रे थोड़ा नीचे से एंटर करती है यूं रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाती है और फिर रिफ्लेक्ट होके आती है डबल TIR, तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी रेनबो। अपनी बुक में देखो आप डायग्राम, क्या दोनों डायग्राम में ये डिफरेंस नजर आ रहा है कि एक में एक TIR दिखाया और एक में दो TIR? हाँ भाई बताओ, डायग्राम खोलो आप एक बार किताब में जहां भी है आपकी बुक। क्या कह रहे हो, तो ये है नहीं क्या? अगर है इस बुक में तो एक बार पेज नंबर बोलो भाई, जिसकी नई बुक में अगर ये है तो। एक बच्चे ने बोला कि हाँ दे रखे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, पेज नंबर बता दो। 333। एक बार देखो भाई, 333 पे आप देखो आपकी किताब में पेज नंबर 333 पे रेनबो दिया है कि नहीं दिया है, एक बार कंफर्म कीजिए। क्या दे रखा है, रेन ड्रॉप्स के बारे में। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसा भी है देख लो, अभी सुनो, बस आपको इतना सा याद रखना है, क्योंकि बहुत बारी डिटेल्स में जाने की जरूरत है ना, एंगल्स याद रखने की जरूरत है। अगर एक बार TIR होके आपको रेनबो बना दिखता है तो वो प्राइमरी रेनबो होता है, और अगर दो बार रे में TIR होता है तो वो सेकेंडरी रेनबो होता है। अगर दो बार TIR हुआ है तो वो थोड़ा फेंट रेनबो होता है, थोड़ा सा हल्का रेनबो नजर आता है, और अगर एक बार TIR हुआ है तो वो थोड़ा ब्राइट रेनबो नजर आएगा। दूसरी बात, कई बार कभी कभार क्या होता है, एक साथ दो रेनबो नजर आ जाते हैं, एक साथ दो रेनबो, इनर रेनबो आपका सेकेंडरी रेनबो होता है और आउटर रेनबो आपका प्राइमरी रेनबो होता है, ठीक है। अब बात यह आती है कि अब जो हमारा अगला काम होगा सीधा वो होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला, और उससे पहले आप ह्यूमन आई पढ़ेंगे, उससे पहले आप ह्यूमन आई पढ़ेंगे, मैं जो तीन रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आपके लिए इस लेक्चर के बाद डालूंगा ह्यूमन आई के, आप कल तक अटेंड कर लेंगे, इसीलिए आज का लेक्चर छोटा ही रख रहे हैं ताकि आपको तीन वो भी अटेंड करने फिर इसके बाद, ठीक है। और फिर कल से हम ढंग से अगले तीन चार दिन, दो तीन दिन लगा लो, दो तीन दिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से कवर कर रहे हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है रे ऑप्टिक्स का, बेस्ट पार्ट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और उसके साथ हमारी रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगी, और फिर आएगी इस पूरी प्लस टू की फिजिक्स की सबसे अच्छी यूनिट आप लगा लो, वेव ऑप्टिक्स, बहुत ही शानदार यूनिट है, उसमें बहुत कुछ पढ़ना हमें। इसमें तो क्या था, पुराना कुछ पढ़ते रहे, उसमें सब कुछ नया आएगा।
ठीक है। तो अगले कुछ दिन काफी कुछ नया पढ़ना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आपने इतने नहीं पढ़े होते हैं पीछे छोटी क्लास में, तो वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है भाई, ओके सर। थैंक यू।